हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम बैक हाशमाइन। दोस्तों, कल राष्ट्रपति जी ने एक छोटी सी स्पीच दी थी, वो स्पीच मैंने आपको नहीं दिखाया, वीडियो बहुत बड़ा हो गया था। दोस्तों, अभी मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, स्पीच दिखाऊंगा और संजय बंसोड़े जी और एकनाथ शिंदे जी सभी ने क्या कहा वो भी बताऊँगा, ठीक है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखो यार, पूरा वीडियो देखो। आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको सब अच्छे से समझ आएगा। आप आधा अधूरा वीडियो देखकर चले जाते हो, पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, आखिरी में बहुत अच्छी स्पीच है। तीन फाइटर हेलीकॉप्टर आए हैं दोस्तों, एक के पीछे एक, मैं आपको तीनों भी दिखाया हूँ। मैडम ने हाथ दिखाए, हम बहुत मुश्किल से बैठे हैं दोस्तों, बहुत ऊपर बैठे हैं। आप देख सकते हो, हमें ट्रक है, ट्रक के ऊपर हम सब चढ़ कर बैठे हैं। आप लोगों को मैडम ने हाथ, चलो दोस्तों, अभी मैं आपको मैडम का भाषण सुनाता हूँ, उनकी स्पीच है वो सुनाता हूँ। श्री पी राधाकृष्णन जी, मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले जी, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री श्री गिरीश महाजन जी, श्री संजय वनसडे जी, श्रीमती अदिति तटकरे जी, सभी सांसदगण, विधायकगण, गणमान्य अतिथियों, इस एरिया के दूर दूर से आए हुए उपस्थित मेरी बहुत प्यारी, बहुत स्नेही लाडली बहनें, देवियों और सजनों, सभी को मेरा नमस्कार। आज महिलाओं के सशक्तिकरण और जनकल्याण से जुड़े इस कार्यक्रम में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में एकत्र हुई महिलाओं को संबोधित करना मेरे लिए खुशी की बात है। आज यहाँ आने से पहले मुझे बुद्ध विहार का उद्घाटन करने का अवसर मिला। इस विहार में एक मेडिटेशन सेंटर भी बनाया गया है, जिसमें 1000 से अधिक व्यक्ति एक साथ ध्यान कर सकते हैं। भारतीय परंपरा में ध्यान साधना को बहुत महत्व दिया जाता है। आज की तनावपूर्ण जीवन शैली में ध्यान की उपयोगिता और भी बढ़ गई है। इस परिप्रेक्ष्य में मेडिटेशन सेंटर का निर्माण एक सराहनीय कदम है। इस कार्य के लिए मैं राज्य सरकार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज का ये कार्यक्रम एक समावेशी और समृद्ध समाज तथा देश के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये प्रसन्नता की बात है कि महाराष्ट्र में महिलाओं केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ले रही है और आत्मनिर्भर भी बन रही है। मुझे बताया गया है कि राज्य सरकार स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आवश्यक फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। साथ ही महिलाओं को कौशल प्रदान करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा आजीविका के लिए विभिन्न अवसर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि राज्य सरकार ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक कार्य कर रहे हैं। नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े, इसके लिए सरकार ये सेवाएं उनके घर पहुंचा रहे हैं। देवियों और सजनों, महिलाओं के आर्थिक विकास दो आयाम है, आर्थिक समावेश और आर्थिक सशक्तिकरण। राज्य सरकार द्वारा माझी लड़की बहन योजना के अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। बैंकों में खाते खुलने से महिलाओं की आर्थिक प्रक्रिया में भागीदार भी बनती है। ये उल्लेखनीय है कि देश में 53 करोड़ से अधिक जनधन योजना में से लगभग 30 करोड़ से अधिक खाते महिलाओं के हैं। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए की जा रही ऐसी सभी पहलों के बारे में जानकर मुझे बहुत संतोष हो रही है। अनुभव के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि समान परिस्थितियों में परिवार के आर्थिक संसाधनों को सब के लिए उपयोग करने की भावना और समझो महिलाओं में पुरुषों से अधिक होती है। ये माना जा सकता है कि यदि आप एक पुरुष की शिक्षित करेंगे
केवल एक व्यक्ति को ही शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरे परिवार और भावी पीढ़ी को भी शिक्षित करते हैं। यही बात आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी सही है। यदि महिलाओं की आर्थिक रूप से सशक्ति होती है तो पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ी भी सशक्त होती है। देवियों और स्वजनों, भारत सरकार की लखपति दीदी योजना के माध्यम से पूरे देश से करीब 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन गई है। वो अपने परिवार के लिए निर्णय ले रही है और अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने में के लिए प्रेरित कर रही है। भारत सरकार ने बहनों की इस प्रगति को देखते हुए लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। ये सराहनीय है कि महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं सहायता समूह की 25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि अभी तक महाराष्ट्र में 13 लाख बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। लखपति दीदी पहल के द्वारा अनेक महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास, जागरूकता और नवचेतना के उदाहरण सामने आ रहा है। ये सराहनीय है कि राज्य सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण की सुनिश्चित करने के लिए भी अनेक कदम उठा रहे हैं। ये देखा जाता है कि प्रायः माताएं और बहनें परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान तो देती है, लेकिन अपने भोजन और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती है। मैं सभी बहनों से कहना चाहूंगी कि आप सब अपने स्वास्थ्य पर भी जरूर ध्यान दें। बच्चों और परिवार की देखभाल करने में अपने स्वास्थ्य को अनदेखा नहीं करना है। आपको अपने और अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। देवियों और स्वजनों, देश के इतिहास में महाराष्ट्र की महिलाओं के नाम स्वर्णाक्षर में अंकित है। वीर माता जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को सदा मातृभूमि की सेवा व जनकल्याण के लिए समर्पित रखने के लिए प्रेरणा दी थी। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया और लड़कियों की शिक्षा के लिए अनेक कदम उठाए थे। संत बहिराबाई इसी भूमि की एक महान संत थी, जो बहुत कम आयु से ही भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। महान कवियत्री पोनियाबाई चौधरी, जिन्होंने मानव समाज विशेषकर महिलाओं के जीवन का चित्रण करने वाली कविताएं लिखी, वे भी इसी धरती की बेटी थी। मैं सिंधुताई चौपाल का विशेष उल्लेख करना चाहूंगी। उन्होंने सड़कों पर रहने वाले कई बच्चों को गोद लिए, हजारों अनाथ बच्चों की माँ बनी। ऐसे महान माताओं के प्रेरणा लेकर हमारी सभी बहनें निरंतर आगे बढ़ेगी और देश की विकास गाथा लिखेगी, ये मेरी विश्वास है। देवियों और स्वजनों, भारत सरकार के एक आकलन के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। सरकार की मदद और आत्मविश्वास के साथ आप महिलाएं हर क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। इस पर अभी और काम करने की जरूरत है ताकि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को और बढ़ावा मिल सके। महिलाओं की इस भागीदारी को बढ़ाने में स्वयं सहायता समूह की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं सभी पुरुषों से भी कहना चाहूंगी कि आप सबका एक कर्तव्य है कि आप महिलाओं की क्षमता को पहचान कर उनके सपनों का साकार करने में उन्हें पूरा सहयोग करें। हर एक बेटी अपने रास्ते की बाधाओं को पार करके कठिनाई से जुटते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंची है। उनके आगे पढ़ने में पैदा की गई कोई भी रुकावट समाज और देश के विकास की गति को भी कम कर देती है। हमारी संस्कृति में देश को मातृभूमि कहा जाता है। इस प्रकार भारत में महिलाओं का सम्मान करना और उनको सहयोग करना तो हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ये प्रत्येक परिवार के जीवन मूल्यों में भी दिखाई देना चाहिए। देवियों और स्वजनों, देश और समाज के उज्जवल भविष्य के लिए युवक युवतियों के औपचारिक शिक्षा के साथ साथ कौशल और आत्मविश्वास भी होना चाहिए। मुझे बताया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने उद्यमियों के सहयोग से युवाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। हमारे बेटी बेटे बेटियां ज्ञान कौशल और अनुभव अर्जित करने के साथ साथ पैसे भी कमा पाएंगे तो निश्चित रूप में अधिक आत्मविश्वास से जीवन में आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार युवाओं के लिए इस दिशा में प्रयास कर रही है, ये सराहनीय है।
देश के महिलाओं और युवाओं का सर्वांगीण विकास विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में निश्चित ही सहायक होगा। अंत में यहाँ आए हुए बहनों से मैं कहना चाहूंगी, बहनें ये देश का अभिन्न अंग है। देश में जितनी पॉपुलेशन है आधा आबादी महिलाएं हैं। जैसे महिला घर परिवार को चलाने के लिए योगदान देते हैं या लीडिंग रोल लेते हैं, ऐसे ही देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। महिला एक अकेला नहीं है। महिलाओं को सहयोग करने के लिए सरकार ने, राज्य सरकार, केंद्र सरकार भरपूर सहयोग कर रहे हैं। महिलाओं के सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास और आत्मिक विकास के लिए उनका जो सहयोग, उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए और खुद का विकसित करने, खुद आत्मनिर्भर होने के साथ साथ पूरा देश को, पूरा राज्य को भी विकास करने में अपना योगदान दे। इसीलिए जो आर्थिक सहायता दिया जा रही है, जो मानसिक सहायता सरकार से तरफ से दिया जा रहा है, उसका भरपूर उपयोग करें और आगे बढ़े। आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। अंत में आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ और आप सबको गणेश चतुर्थी के पर्व को श्रद्धा और उत्साह से मनाने की शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि गणेश चतुर्थी, गणेश पर्व महाराष्ट्र के एक मुख्य पर्व है। इस त्यौहार के लिए आपको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय नारी शक्ति। राष्ट्रगीतासाठी सर्वांनी उभं राहायचं आहे। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत सुरू। उदगीरचा विकास आता जिल्ह्याच्या धर्तीवर झाला असून जिल्हा निर्मितीच्या प्रक्रियेत उदगीरला जिल्ह्याचा दर्जा द्यावा अशी आग्रही मागणी तुम्हा सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये मी या सर्व नेतेकडे त्या ठिकाणी मी करतोय। उदगीर जिल्ह्याची निर्मिती असेल, उदगीर येथे विमानतळ असेल, MIDC असेल, त्याचबरोबर मोठे उद्योगधंदे इथे आले पाहिजे आणि वैद्यकीय महाविद्यालय, अशा प्रकारची मागणी केलेली आहे। त्यामुळे ही मागणी मान्य करण्यासाठी तुम्हाला त्याच्या पाठीशी उभं राहावं लागेल, त्याला खंबीर साथ द्यावी लागेल। आणि म्हणून एवढंच मी सांगतो की आपल्याला, मी सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। संजय, तुझ्या पाठीशी मी आहे, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आहेत, सरकार आहे, त्यामुळे काळजी करू नकोस। संजय बनसोडे जी, तुम्ही ज्या काही मागण्या केलेल्या आहेत काळजी करू नका, मुख्यमंत्री आणि आम्ही सगळे तुमच्या पाठीशी आहोत। निश्चित त्या मागण्यांकडे योग्य लक्ष दिलं।